नहीं, ये जो बसव कल्याण अपना ऐतिहासिक ना, हमारे बसव कल्याण के जो हमारे दिवंगत नारायण राव जी ने परसों कोविड से निधन हो गए। अभी ये इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा, वो नारायण राव को पाप ऐसा नहीं होना था, भगवान ने उनको ये कर दिया, बच के आना बोल के हम भी दुनिया का प्रेयर करें। सब लोग हैं बसव कल्याण के, बहुत देखा वहाँ पूजा है, यहाँ पूजा है, सब दुआएं करें, पूजा करें, सब कुछ करें, भगवान ने उसको ये नहीं हुआ, उनका कोविड से निधन हो गए, नहीं होना तो हो गया। उनका फैमिली वालों को, उनका जितने भी उनके बच्चे बेटे, उनको वो तकलीफ सहने का भगवान शक्ति दें दे बोल के भगवान से प्रार्थना करके, अभी जो ये बसव कल्याण ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पे मैं एक भारतीय जनता पक्ष का एक छोटे कार्यकर्ता हूँ। मैं राजकीय बसव कल्याण से ही चालू हुआ था मेरा, 2010 में तालुक पंचायत मेंबर बना, 2012 में अध्यक्ष बना, अध्यक्ष बन के दो टर्म बसव कल्याण के जनता का सेवा करने का मौका मिला मेरे को इधर। मैं वो टाइम पे मेरे से जितना स्कीम आते कहाँ कहाँ पहुँचना है वो समर्थ मैं तालुक पंचायत में किया हूँ, उसका प्रोग्रेस अच्छा है बोल के मेरे को अवार्ड भी मिला था वो टाइम पे। ये हैदराबाद कर्नाटक में बसव कल्याण तालुक पंचायत अच्छा वर्क में प्रोसेस है बोल के। और अभी जो इलेक्शन में मैं भी आकांक्षी हूँ छोटे कार्यकर्ता बन के, हमारा लोकल में अभी भी मेरा भाई है, बहुत लोग पूछ रहे, और जिसको भी हमारा पक्ष तीर्मान लेते हैं, हाईकमांड है, हाईकमांड वरिष्ठ लोग जो डिसीजन लेते हैं उसको हम बद रहते। इधर जो ये टूरिज्म प्लेस बहुत अभी काम बहुत पेंडिंग है, हमारा पक्ष है येडियुरप्पा जी बसव कल्याण के बारे में बहुत पर्सनली उन्होंने इंटरेस्टेड है बसव कल्याण के डेवलपमेंट के बारे में। अभी परसों बीकेडी भी इंचार्ज बोल के हमारा कमिश्नर साहब महादेव सर को डाले, उनको भी स्वागत करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास डिप्टी कमिश्नर बोल के बहुत अच्छा काम किए, सीनियर है उन्होंने अच्छा, ये जो जितने भी पेंडिंग काम है पूरा कंप्लीट करने के लिए उनको डाले जैसा मेरे को दिख रहा। अभी परसों भी फंड आया, अभी स्टॉक है फंड, ये फंड मिसयूज नहीं होना, ये फंड कहाँ पहुँचना बोल के उनको डाले से अभी भी जितना लगते हैं सब हम पक्ष के तरफ से हमारा नेता लोगों को डिमांड करते हैं। बसव कल्याण में अभी बहुत कुछ काम है, जो ऑटो नगर है बड़ा, यहाँ पे एजुकेशन के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ पे जो गरीब लोगों के वो बहुत कुछ तकलीफ काम है। अभी यहाँ पे अभी रोड नहीं है केडेगो में, उधर गए तो अभी थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। जितने भी है हमसे जितना मैक्सिमम हेल्प होता काम करने के लिए, और हम फ्री कभी पब्लिक में पहले कैसे थे वैसे ही रहेंगे, 24 आवर्स सर्विस में करते रहे, अभी भी आगे भी करते हैं। हम एक छोटी आकांक्षी है, जो पक्ष तीर्मान लेते हैं उसका हम बद रहते हैं। पब्लिक की सेवा सर, हमारा जो सेवा है, हमारा जो जवाबदारी रहता है वो हम 100% ईमानदारी से निभाएंगे। बहुत है सर, अभी रोडा है, अभी अंडर ड्रेनेज है, ऑटो नगर में गाड़ियाँ बहुत है, एक पार्किंग के लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं, रोड पर ठहरा कर रहे देखो गाड़ी आने जाने में मुश्किल हो रहा। सब एजुकेशन के बारे में हो चाहे हॉस्पिटल के बारे में हो, अभी बहुत कुछ है, जितना हो सके उतना कुछ अच्छा करेंगे बोल के। नहीं तो हम तो एक पक्ष के नाते हमारे पक्ष में हम हाईकमांड को सब पूछते, पूरे जितने भी आकांक्षी लोग हैं सब उनका विचार शक्ति बोल देते। हाईकमांड जो हमारे जिले के नेता लोग हैं, राज्य के, हमारे राष्ट्र के, उन लोग जो तीर्मान लेते हम उसको टेकन रहते। लोकल कहीं देना बोल के हमारे लोकल वालों का डिमांड है। परसों हम खूबा सेठ हमारे XML है पटवारी, हमारा अनिल भूसारे, पप्पू काडा थे, विजय मंठाड़े, सब कुछ बैठे थे, बैठ के ऐसे डिस्कस करें, सब हम डेलीगेशन लेके जाएंगे हाईकमांड को।
हमारा जो ओपिनियन है हम बोलेंगे सही है बोलेंगे जाके बोल के ऐसा डिसाइड करे सर। परसों मल्लिकार्जुन खोबा जी भी प्रेस मीट करके बोले लोकल वालों को दो बोल के, हमारा भी वही उम्मीद है। लोकल वाले बहुत कुछ लोग आए, 2.5 लाख पब्लिक है, 2.5 लाख में एक समर्थ पक्ष के कोई निष्ठावंत रहते किसको देते हम रहते। पक्ष तीर्मान लेते सर वो टाइम पे, पक्ष जो तीर्मान लेते हम रहते, मगर ये टाइम पे बाहर वालों को नहीं देना बोल के हमारा वैयक्तिक डिमांड है। आपको नहीं मिलता है काम करते, पहले भी करें, अहमदाबाद में नहीं मिले तो भी अभी बसवा कल्याण में करेंगे, बसवा कल्याण में बीजेपी का झंडा लहराएंगे।